नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है करियर बिट की इस फैमिली में। यूपी टेट 2019 मामले में एक ही प्रश्न के दो विकल्प सही किए जाने वाले प्रश्नों पर पीएनपी के द्वारा कॉमन नंबर नहीं दिए जाने, साथ ही विवादित प्रश्नों को लेकर के माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट और माननीय लखनऊ खंडपीठ में याचिकाएं दायर की गई हैं। दोस्तों, इन सभी याचिकाओं में क्या कुछ नया अपडेट है, पूरा डिटेल में जानेंगे। तो यदि आप भी यूपी टेट के गलत विवादित प्रश्नों से प्रभावित हो रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को याद दिला दूं कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट में श्री सत्येंद्र कुमार यादव जी के द्वारा एक केस फाइल किया गया था यूपी टेट को लेकर के। अब इसकी सुनवाई दिनांक 3 मार्च 2020 को कोर्ट नंबर 5 के सीरियल नंबर 7 पर होने वाली है। माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट की एडिशनल कॉज लिस्ट जो कि दिनांक 3 मार्च 2020 की है कोर्ट नंबर 5 की, यहां पर आप देख सकते हैं सीरियल नंबर 7 पर श्री सत्येंद्र कुमार यादव जी का केस लिस्ट किया गया है। इस केस में पिछली सुनवाई पर हालांकि माननीय कोर्ट में कुछ भी सुनवाई नहीं हो पाई थी, लेकिन एक चीज़ पॉजिटिव ये देखने को मिला था कि पीएनपी की तरफ से अपना आंसर काउंटर फाइल किया गया था। हालांकि उसमें पीएनपी ने जो शिमला जी का केस मेंशन कराया गया था याचिका कर्ताओं के द्वारा, उस पर पीएनपी ने अभी कुछ भी टिप्पणी करने से नहीं किया था उस अपनी आंसर काउंटर फाइल में। लेकिन पीएनपी काफ़ी दिनों तक उससे बच नहीं सकती है, क्योंकि एक ऐसा केस था शिमला जी के नाम से जिस पर माननीय कोर्ट ने यह फैसला दिया था कि आयोग को अगर एक ही प्रश्न के दो विकल्प आयोग सही मानता है तो आयोग को उस पर कॉमन नंबर सभी अभ्यर्थियों को दिए जाने चाहिए, चाहे उस प्रश्न को अभ्यर्थी ने टच किया हो, अटेम्प्ट किया हो, गलत अटेम्प्ट किया हो, या फिर किसी भी केस में सभी अभ्यर्थियों को कॉमन नंबर दिए जाने चाहिए। तो अभी पीएनपी ने इस पर अपने आंसर काउंटर फाइल में कुछ भी टिप्पणी नहीं किया था, तो निश्चित तौर पर कल की सुनवाई अगर हो पाती है तो उसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। हालांकि अभी इसके लिए ज़्यादा उम्मीदें करना कुछ भी जल्दबाजी होगी, क्योंकि अंतिम जो फैसला होगा वह माननीय कोर्ट के द्वारा ही दिया जाएगा और पीएनपी भी उसको पूरी तरीके से मानने के लिए बाध्य होगी। तो दोस्तों, अब सबकी निगाहें कल दिनांक 3 मार्च 2020 को माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट पर टिकी हुई हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये अपडेट पसंद आई होगी। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए बने रहें करियर बिट के इस चैनल के साथ। धन्यवाद।